जी नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल इस वक्त जिला कारागार के पास हूँ। ताज़ा अपडेट यह है कि बलिया का जेल पूरी तरह से खाली हो चुका है और यहाँ के जो कैदी थे जनपद आजमगढ़ और मऊ शिफ्ट हो चुके हैं। इस जगह पर सरकार मेडिकल कॉलेज बनवाएगी। उसको लेकर जिला कारागार बलिया को खाली कराया गया है। दूसरे तरफ सवाल ये उठने लगा, ये जेल आज़ादी से जुड़ा है। बात करें बलिया के आज़ादी से, 1942 क्रांति से। जेल के अंदर एक ऐसा बैरक है जो शेरे बलिया चित्तू पांडे और पंडित महानंद मिश्र सहित सैकड़ों की संख्या में क्रांतिकारी इसी जेल के अंदर बंद थे। उस समय की अंग्रेजी हुकूमत बलिया में थी और क्रांतिकारियों को बाहर निकाली। बलिया आज़ाद हुआ 14 दिनों के लिए और हर साल 19 अगस्त बलिया बलिदान दिवस का आयोजन होता है। और इस आयोजन में इसके पहले मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम भी आ चुके हैं यहाँ पे। दूसरे तरफ सार्व के प्रमुख लोग का ये कहना है कि पहले बलिया में जेल बन जाना चाहिए था, इसके बाद यहाँ के कैदियों को वहाँ शिफ्ट करना चाहिए था, लेकिन बलिया में अभी तक ना जेल बना और ना ही ज़मीन एक्वायर हुई और जिला कारागार बलिया के जो कैदी थे वो किसी और जनपद के लिए आजमगढ़ मऊ के लिए शिफ्ट हो गए। करीब 400 से 500 की उनकी संख्या थी। विकास होना चाहिए ये सब लोग कह रहे हैं, लेकिन विकास से पहले व्यवस्था भी होनी चाहिए कि हम जिन कैदियों को यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं वो इसी ज़िले में रहें, इसलिए पहले जेल बनवाया जाए। उदाहरण के तौर पे आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ मंडल की बात करते हैं। आजमगढ़ में पुराना जेल नगर पालिका परिषद से सटा हुआ है। वहाँ का जेल चंडेसर शिफ्ट हुआ, आजमगढ़ का चंडेसर तो थोड़ा आगे जाएंगे। इसके बाद पुराने जेल को खाली किया गया और नए जेल में कैदी शिफ्ट हो गए, लेकिन वही परंपरा बलिया में भी होनी चाहिए थी कि नया जेल बनाने के बाद यहाँ के कैदियों को कहीं और शिफ्ट करना चाहिए था। खैर, सरकार की कोई ना कोई योजना रही होगी जिसके चलते ऐसा नहीं हो पाया। ये जगह आज़ादी से जुड़ा है, ये जगह क्रांतिकारियों की रणभूमि रही है, ये जगह बलिया की आज़ादी का निशानी रहा है, ये जगह देश के नहीं विदेश में एक नाम कमाया है। बलिया का जिला कारागार पूरे दुनिया में जाना जाता है क्योंकि ये जगह है जिस रास्ते से, जिस मार्ग से बलिया के क्रांतिकारी बाहर निकले थे और बलिया को आज़ाद कराई थी। इस जगह पे मेडिकल कॉलेज बनेगा, वेलकम है, स्वागत है, लेकिन काश नया जेल बन गया होता और यहाँ के कैदी नए जेल में शिफ्ट हो गए होते तो और अच्छा होता। नमस्कार।